नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 6 अप्रैल दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। अजमेर संभागीय आयुक्त भंवरलाल मेहरा के कार्यालय में कार्यरत सहायक प्रशासनिक अधिकारी कम रीडर याकूब बख्श को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने 95,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। सजा की अपील में निर्णय फेवर में करने के लिए रिश्वत मांगी थी। आरोपी रीडर 5,000 पहले ले चुका है। ACB आरोपी से पूछताछ करने में जुटी है। परिवादी ने ACB को दी शिकायत में बताया कि विभागीय कार्रवाई में दी गई सजा की अपील में निर्णय पक्ष में करवाने की एवज में याकूब बख्श सहायक प्रशासनिक अधिकारी कम रीडर कार्यालय संभागीय आयुक्त अजमेर द्वारा 1,50,000 रुपए रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है। सत्यापन के बाद याकूब बख्श निवासी जयपुर रोड अजमेर हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी कम रीडर कार्यालय संभागीय आयुक्त अजमेर को परिवादी से 95,000 रुपए की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। अजमेर के महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी का पेपर एक बार फिर से लीक हुआ है। BSc थर्ड ईयर बॉटनी व फिजिक्स के पेपर होने थे। परीक्षा शुरू होने से 15 मिनट पहले ही पेपर व्हाट्सएप पर आ गया। जो पेपर व्हाट्सएप पर आया वही पेपर परीक्षा केंद्रों में स्टूडेंट्स को दिए गए थे। इसकी शिकायत पुलिस महानिरीक्षक अजमेर रेंज से शिकायत की गई है। फिलहाल यूनिवर्सिटी प्रशासन इसको पेपर लीक नहीं मान रहा है। एग्जामिनेशन कंट्रोलर सुब्रतो दत्ता का कहना है कि 15 मिनट पहले सेंटर पर पेपर खोलने का नियम है। अगर इससे पहले व्हाट्सएप ग्रुप पर आने के सबूत मिलते हैं तो पेपर लीक माना जाएगा। MDS यूनिवर्सिटी के अधीन 4 जिलों अजमेर, टोंक, नागौर व भीलवाड़ा में करीब 350 कॉलेज हैं। इनमें 3 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। राजस्थान समेत पूरे देश में कोरोना फिर से बढ़ने लगा है। पिछले 20 दिन से केसों में इजाफा हुआ है। आखिरी 24 घंटे की रिपोर्ट में 29 पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि 949 लोगों की जांच की गई। एक्सपर्ट्स इस कोविड के बढ़ने के पीछे ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट को कारण मान रहे हैं। राजस्थान में इस वेरिएंट के पिछले 2 सप्ताह में 70% से ज्यादा केस डिटेक्ट हुए हैं। इस कारण राजस्थान में संक्रमण दर 1 से बढ़कर 3% के ऊपर चली गई है। कोविड के बढ़ते केसों को देखते हुए खांसी, जुकाम और बुखार के सस्पेक्ट मरीजों के लिए डॉक्टर्स ने कोविड जांच को अनिवार्य कर दिया है। राजस्थान में पिछले 17 दिन की रिपोर्ट देखें तो यहां 25,515 लोगों के टेस्ट किए गए। इनमें से 434 के सैंपल पॉजिटिव मिले हैं। लुधियाना में इनकम टैक्स विभाग के अफसरों से सेटिंग करवाने की बात कहकर लाखों रुपए की रिश्वत लेने के मामले में विजिलेंस टीम ने CA अंकुश सरीन को गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता गांव मलसिया के परमिंदर सिंह सिद्धू ने विजिलेंस को बताया कि उनके समधी USA में रहते हैं। उन्होंने अपनी जमीन बेची थी जिसके पैसे खाते में जमा करवा दिए थे, जो कि काफी बड़ी राशि थी। इसी दौरान उन्हें विदेश में इनकम टैक्स विभाग का नोटिस मिला। उक्त नोटिस उन्होंने परमिंदर सिंह को भेजा और कहा कि इसका सेटलमेंट करवा दें, जिसके बाद परमिंदर नोटिस लेकर CA अंकुश सरीन के पास गया। CA अंकुश ने सेटलमेंट के लिए 25 लाख मांगे। परमिंदर ने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से पैसे पकड़कर 15 जनवरी 2023 को दे दिए। इस दौरान उन्होंने पैसे देते हुए उसकी वीडियो बना ली थी। उन्होंने विजिलेंस को शिकायत दी और पैसे देने के दौरान बनाई वीडियो भी विजिलेंस को सौंप दी। विजिलेंस ने इन्वेस्टिगेशन की तो सभी आरोप सही मिले। जो वीडियो आरोपी की बनाई थी उसमें वो साफ पैसे लेता नजर आ रहा है। पुलिस ने आरोपी CA अंकुश सरीन को गिरफ्तार कर लिया। अलवर जिले में अवैध पटाखा फैक्ट्री में अचानक धमाका हुआ और आग की लपटें उठने लगी। इन्हीं लपटों में कई बाल मजदूर घिर गए थे। 3 बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए हैं। आसपास के लोगों ने जैसे तैसे बच्चों को बाहर निकाला और आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि बच्चों के स्कूल से आने के बाद मामूली रकम देकर फैक्ट्री मालिक पटाखे बनवाता था। मामला थाना गाजी कस्बे का है। थानाधिकारी रामजीलाल मीना ने बताया कि कस्बे में अचानक धमाके होने लगे। कस्बे के भड़भुजा मोहल्ले में एक घर में अवैध पटाखा फैक्ट्री चल रही थी। वहीं हादसे के 7 घंटे से ज्यादा बीत जाने के बाद भी फैक्ट्री की जांच पुलिस ने नहीं की है। फैक्ट्री में ताला डालकर मालिक फरार है। पुलिस यह जरूर कह रही है कि किसी की तरफ से रिपोर्ट नहीं मिली है। रिपोर्ट मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी। राजधानी जयपुर में साइबर ठगी के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए पुलिस मुख्यालय की क्राइम ब्रांच की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गिरोह से जुड़े 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये साइबर ठगी करने वाले गिरोह से
जुड़े थे और जयपुर में रहकर ठगी की राशि एटीएम से निकालने का काम करते थे। पकड़े गए बदमाशों से करीब 12 लाख रुपए की नकदी और 36 एटीएम कार्ड बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही एक थार गाड़ी, एक बाइक और कुछ मोबाइल भी जब्त किए हैं। पकड़े गए तीनों बदमाश फरदपुर के नगर कस्बे के रहने वाले हैं। बदमाशों से ज्वार सर्किल थाना पुलिस पूछताछ कर रही है। जांच में सामने आया है कि मेवात इलाके से बड़े पैमाने पर साइबर ठगी करने वाले गिरोह सक्रिय हैं। ऐसे में इन बदमाशों की गिरफ्तारी के बाद उम्मीद जगी है कि बड़े पैमाने पर साइबर ठगी करने वाले गिरोहों का पर्दाफाश होगा। जालौर जिले के रानीवाड़ा बड़गाम हाईवे सड़क मार्ग पर अजोदर गांव के पास दो बाइक्स के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। ग्रामीणों ने घायलों को सीएचसी रानीवाड़ा पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें गुजरात रेफर कर दिया। रास्ते में शंकर राम निवासी डोडवाड़िया ने दम तोड़ दिया। दुर्घटना में घायल महेंद्र निवासी डोडवाड़िया, सवसीराम निवासी डोडवाड़िया और जोराराम चौधरी निवासी अजोदर को गुजरात के डीसा स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। सूचना पर पहुंची दोनों बाइकों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। डूंगरपुर की सदर थाना पुलिस ने राजपुर घाटी में कार पर पथराव कर लूटपाट करने के मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर लूटपाट की थी। मामले में दो आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार मुख्य आरोपी से पूछताछ में जुटी है। कनबा निवासी हितेश साध ने थाने में दर्ज रिपोर्ट में बताया कि 27 फरवरी को अपने दो अन्य दोस्तों के साथ कार लेकर राजपुर गांव में ससुराल से पत्नी व बच्चे को लेने गया था। रात को पत्नी व बच्चे को लेकर वापस लौटते समय राजपुर घाटी के पास बाइक सवार बदमाशों ने पीछे से कार पर पत्थर मारे। इस पर उनसे कार रोक दी। इसके बाद बदमाश डैशबोर्ड में रखे 8000 रुपए लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने मांडवा खपरडा निवासी लोकेश उर्फ लंकेश कटारा और राजपुर निवासी सावन यादव को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि मुख्य आरोपी फरार चल रहा था। सिरोही जिले में 24 घंटे में 199 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एसपी ममता गुप्ता ने बताया कि कई मामलों में वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए जिले भर में 50 टीमें बनाकर संभावित स्थानों पर दबिश दी गई। इसमें एनडीपीएस, आबकारी अधिनियम, अवैध खनन, आर्म्स एक्ट, शांति भंग सहित विभिन्न मामलों में 199 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके खिलाफ 39 मामले दर्ज किए गए। आबू रोड रिको पुलिस की ओर से चलाए गए अभियान में 199 आरोपियों की गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही 6 एसयूवी कार और जीपो पावर बाइक को जब्त किया गया। इसी प्रकार नवंबर 2022 से शराब तस्करी के मामले में फरार चल रहे जोधपुर के औसिया निवासी विष्णु जाट को उसके दो साथियों के साथ गिरफ्तार किया गया है। तमाम कोशिशों के बावजूद ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का गहलोत सरकार का मास्टर स्ट्रोक उतना हाईलाइट नहीं हो पाया जितनी उम्मीद थी। इसकी दो बड़ी वजह है। पहली, न्यू पेंशन स्कीम के तहत पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण में जमा कर्मचारियों और सरकार का अंशदान लौटाने से केंद्र ने इनकार कर दिया था। राज्य की मंशा थी कि इसी रकम को अपने राजस्व खाते में जमा कर कर्मचारियों को पेंशन दी जाएगी। दूसरी वजह, ओपीएस लेने के लिए शर्त रखी थी कि कर्मचारियों को एनपीएस में जमा सरकार के अंशदान के अलावा अपने हिस्से की राशि भी जीपीएफ ब्याज दर के साथ लौटानी होगी। कर्मचारी के रिटायर होने के बाद पेंशन के साथ जीपीएफ भी इसी रकम से लौटाने की बात कही गई थी। अब गहलोत सरकार एक शर्त हटाकर इन दोनों मुश्किलों को दूर करने जा रही है।